प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें काफी लोग नहीं जानते। सन 1972 यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले 46 वर्ष पहले दुनिया में कोई भी मोबाइल कोई भी फोन नहीं था। सन 1973 में स्वयं मोबाइल फोन के आविष्कारक मार्टिन कपूर द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहला मोबाइल बनाया गया था और 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन पर सबसे पहली कॉल मार्टिन कपूर ने ही की थी। और हमारे भारत में मोबाइल फोन का आगमन दुनिया के सबसे पहले मोबाइल बनने के 12 साल बाद यानी कि 31 जुलाई 1995 को हमारे भारत में सबसे पहला मोबाइल आया था, लगभग आज से 24 साल पहले। और पूरी दुनिया में नोकिया 1100 मोबाइल तो आपने चलाया ही होगा। नोकिया 1100 पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल था। और हम आपको एक जानकारी और दे दें, कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन की शुरुआत 11 जून 1997 को हुई थी। 1997 से पहले कोई भी कैमरे वाला मोबाइल नहीं था। अब हम बात करेंगे एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड का भारत में आविष्कार यानी कि एंड्रॉयड का आविष्कार हुआ था 23 सितंबर 2008 में। और हम आपको एंड्रॉयड की फुल फॉर्म बता देते हैं। एंड्रॉयड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एंड्रॉयड का मतलब है एक मानव जैसा दिखने वाला रोबोट। इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और कैमरे फोन के कैमरे की क्वालिटी की और अपने आंखों की अगर बात करें तो मनुष्य की आंखें यानी कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं इसमें 10 20 30 मेगापिक्सल तक कैमरे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों की जो क्वालिटी है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। छोटी मोटी जानकारी थी दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर रोजाना नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। मैं जल्दी मिलूँगा।